नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज है हमारी बेकिंग क्लास का डे 9। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज्यादा हेल्दी, साथ ही बहुत ही ज्यादा टेस्टी ओट्स कुकीज की रेसिपी। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, किस तरीके की फजी टेक्सचर की हमारी कुकीज बनकर तैयार हुई हैं। खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी है और बिल्कुल आसान तरीके से आप इसे घर पे तैयार कर सकते हैं। और आप इसे बना सकते हैं कढ़ाई में भी और ओवन दोनों में आप इसे बना सकते हैं। इस कुकीज को हमने एगलेस बनाया है, तो बिल्कुल आसान तरीके से घर पर जो हमारे पास चीजें होती है उसी से आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। और अगर आपने हमारी बाकी की जो बेकिंग क्लासेस हैं उसे मिस कर दिया है तो उसे भी जरूर से चेक कीजिए, उन सबकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये ओट्स कुकीज बनाने के लिए मैंने ले लिया है 1/3 कप यहाँ पे ब्राउन शुगर का पाउडर। तो मैंने ब्राउन शुगर ली है नॉर्मल, उसे मिक्सी के जार में डालकर उसका पाउडर कर लिया है। तो मैंने यहाँ पे 1/3 कप ले लिया है। आप यहाँ पर ब्राउन शुगर की जगह नॉर्मल शुगर ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे जैगरी पाउडर यानी कि गुड़ का जो पाउडर होता है उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 कप मैंने यहाँ पे घी ले लिया है। तो आज हम यहाँ पर इस कुकीज को घी के साथ बनाएंगे, तो बटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। घी थोड़ा सा हेल्दी हो जाता है बटर से, तो मैं यहाँ पे 1/4 कप ये घी ले रही हूँ। घी अगर आप देखें तो बिल्कुल सॉफ्ट है, लेकिन मेल्ट करके हमें नहीं लेना है, ना ही हमें फ्रिज से निकला हुआ ठंडा ठंडा घी लेना है। तो आप बिल्कुल इस तरीके का सॉफ्ट घी का इस्तेमाल करें। और अब हम इन दोनों को बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे विस्क कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे ये हैंड विस्कर का यूज कर रही हूँ, इससे हम लगभग इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से विस्क कर लेंगे। आप चाहें तो हैंड बीटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छे से हमें ये क्रीमिंग प्रोसेस करना है ताकि जो हमारी कुकीज हैं वो बिल्कुल लाइट बने। तो आप देख सकते हैं बढ़िया से मैंने इसे 2-3 मिनट के लिए विस्क कर लिया है अच्छे से, और ये क्रीमिंग प्रोसेस हमारा यहाँ पे अच्छे से हो गया है। पहले से आप देख सकते हैं इसका कलर भी लाइट हो गया, एकदम क्रीमी और एकदम ये फ्लफी टेक्सचर का हमारा ये मिक्सचर तैयार है। तो बस यहाँ पर अब हम इसमें डालेंगे 3/4 कप के जितना बेसन। तो मैदे की जगह पर मैं यहाँ पे बेसन यूज कर रही हूँ। बेसन एक हमारी कुकीज को बहुत ही अच्छा सा टेस्ट और टेक्सचर देगा। तो मैंने यहाँ पे ये 3/4 कप बेसन ले लिया है। अब यहाँ पर 1/2 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे बेकिंग पाउडर, और इसी के साथ 1/4 टीस्पून के जितना हम डालेंगे इसमें बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों आप अच्छी सी पैकिंग वाला यूज करें, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं लेकिन पैकिंग वाला ही आप यूज करें। 1/4 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। नमक से जो हमारी कुकीज हैं, जो हमने इसमें शुगर यूज किया है, वो सारी चीजों को अच्छे से बैलेंस करने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो 1/4 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया। सारी चीजों को अच्छे से छान लेंगे। तो यहाँ पे सारी चीजें मैंने बिल्कुल अच्छे से छान ली है। अब यहाँ पर हम इसे स्पैचुला से बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से कुछ इस तरीके से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखें बहुत ज्यादा प्रेशर देकर आप बिल्कुल भी इसे मिक्स ना करें, वरना आपकी जो कुकीज हैं वो हार्ड बन सकती हैं। तो बिल्कुल हल्के हाथों से आप कुछ इस तरीके से इसे मिक्स कर लें। अब यहाँ पर हम इसमें ओट्स डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 कप प्लेन ओट्स ले लिए हैं, इसे मैंने डाल दिया है इसमें। और इसी के साथ हम इसमें थोड़ी सी डाल देंगे किशमिश। तो मैंने लगभग 2 छोटी चम्मच के जितना किशमिश डाल दिया। अगेन किशमिश डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। इसी के साथ हम इसमें थोड़े से चोको चिप्स डाल देंगे, ये भी यहाँ पे डालना ऑप्शनल है, लेकिन ओट्स के साथ बहुत ही अच्छा सा एक टेस्ट जाता है चोको चिप्स का। तो आप चाहें तो इसे डाल सकते हैं। तो मैंने थोड़े से लगभग 2 टेबल स्पून के जितना इसमें डाल दिए हैं। क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम ज़्यादा इन चीज़ों का रख सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बिल्कुल ध्यान रखें, अगेन हम आपको यहाँ पे बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से स्पैचुला को चलाना है, उसे मिक्स करना है। अब यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून हम इसमें दूध डाल देंगे। तो दूध जो भी आप यूज करें वो रूम टेम्परेचर पर ही होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इसमें 2 टेबलस्पून के जितना दूध डाल दिया है, और अब हम इसे हल्के हाथों से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और एक डो जैसा बना देंगे। हो सकता है कि आपको आधे से 1 चम्मच दूध और लग सकता है, क्योंकि ओट्स या फिर जो हमने बेसन यूज किया है उसकी जो क्वालिटी होती है उस पर भी डिपेंड होता है। तो यहाँ पे हमारा ये डो जैसा बन गया है। अब यहाँ पर मैंने एक बेकिंग ट्रे ले ली है, इसमें मैंने यहाँ पे लगा लिया है बटर पेपर। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसे ऑयल या फिर घी से थोड़ा सा ग्रीस कर लें, हल्का सा आप इस पर मैदा या फिर बेसन को डस्ट कर लें। और अब हम बना लेते हैं यहाँ पे हमारी कुकीज। तो कुकीज की जो साइज है वो अपने अकॉर्डिंग आप थोड़ी सी छोटी या फिर बड़ी रख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम कुकीज को तैयार कर लेंगे। हल्के हाथों से आप इसे प्रेस कर लें और इस तरीके से थोड़ा सा हम कुकीज को तैयार करेंगे इस तरीके की शेप देकर। तो यहाँ पर अगर आप चाहें, अगर आपको बिल्कुल पतली वाली कुकीज पसंद है, बिल्कुल पतली पतली सी, तो आप इसे थोड़ा और अच्छे से प्रेस करें और एकदम आप इसमें से थोड़ी सी बड़ी साइज एकदम पतली वाली कुकीज बना सकते हैं। मुझे यहाँ पे जो कुकीज मैं बना रही हूँ मुझे थोड़ा सा फजी टेक्सचर चाहिए, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा थिक रख रही हूँ। तो बिल्कुल हल्के हाथों से आप इस तरीके से प्रेस करें और अपने हिसाब से आप छोटी या बड़ी साइज की कुकीज को यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। तो अब हम इसके ऊपर थोड़े से ये चोको चिप्स लगा देंगे। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ चोको चिप्स, इससे ये दिखने में भी बहुत अच्छी लगेगी और खाने में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा।
आज ये कुकीज हम फ्रिज में सेट नहीं करेंगे। अगर आपने बाकी की हमारी बेकिंग क्लासेस देखी है तो उसमें जो हमने कुकीज बनाई उसे हम 10-15 मिनट के लिए पहले फ्रिज में रखते हैं, उसके बाद हम उसे बेक करते हैं। ओट्स की कुकीज को हम जो बनाते हैं तो उसमें आपने देखा हमने आज घी का इस्तेमाल किया है, हमने बटर का इस्तेमाल नहीं किया। साथ ही ये जो कुकीज होती हैं थोड़ी सी फजी टेक्सचर की बहुत ही अच्छी लगती हैं, तो मैं इसे बिल्कुल भी फ्रिज में नहीं रखूंगी, डायरेक्टली अब हम इसे ओवन में बेक करेंगे। प्री हीटेड ओवन में हम इसे बेक करेंगे 160 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 14 से 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट के अंदर आपकी ये कुकीज बिल्कुल अच्छे से बेक होकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए हम इसे ओवन में बेक होने के लिए रख देते हैं। कढ़ाई में बेक करने के लिए यहाँ पे जो कुकीज है मैंने उन्हें प्लेट में एक सेट कर लिया है, नीचे मैंने बटर पेपर लगा दिया। आप चाहें तो सिर्फ ऑयल या बटर से इसे थोड़ा सा ग्रीस कर लें और इस तरीके से प्लेट को सेट कर लें। और यहाँ पर अब मैंने कढ़ाई को 5 मिनट के लिए बिल्कुल हाई फ्लेम पे प्रीहीट कर लिया है। इसमें मैंने नॉर्मल खाने वाला नमक डाला, इस नमक को आप बार बार बेकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी छोटी सी कटोरी, वायर रिंग या फिर कोई भी इस तरीके का स्टैंड आप डाल दें। और अब हम रखेंगे हमारी ये प्लेट, बिल्कुल ध्यान से रखें आप इस प्लेट को क्योंकि कढ़ाई इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्म है। अब हम इसे कवर कर देंगे और कवर करके हम बिल्कुल यहाँ पर गैस को रखेंगे लो फ्लेम पे, और लो फ्लेम पे हम यहाँ पे लगभग 17 से 18 मिनट के लिए इसे अच्छे से बेक होने देंगे। गैस पर जब हम कुकीज़ को बेक करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, ओवन से 2 से 3 मिनट आपको इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ध्यान रखें लो फ्लेम पर ही आप इसे बेक करें। ओवन में जो हमने कुकीज़ को बेक करने के लिए रखा था वो बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे बेक होकर तैयार है। तो 1-2 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही ट्रे में रहने देंगे और फिर हम इसे वायर स्टैंड पे बाहर निकाल कर अच्छे से ठंडा कर लेंगे। अगर आप बहुत ज्यादा देर तक कुकीज को ऐसे ही यहाँ पर ट्रे में रहने देंगे तो हो सकता है जो आपकी कुकीज है उसका जो नीचे का सरफेस है वो थोड़ा सा गीला गीला सा हो जाए, तो इसलिए आप इसे 2 मिनट के बाद वायर स्टैंड पे निकाल के रख दें। और यहाँ पर जो हमने गैस पर कुकीज़ को कुक होने के लिए रखा था वो भी आप देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया से बेक हो गई हैं, बहुत ही प्यारा सा इन पे भी कलर आ गया है। तो चलिए अब हम इसे भी बाहर निकाल के ठंडा कर लेते हैं। इस तरीके से वायर स्टैंड पर आप कुकीज़ को बिल्कुल बढ़िया से ठंडा होने दें तो आप देख सकते हैं सारी कुकीज़ हमारी बिल्कुल तैयार हैं और इन पे बहुत ही प्यारा सा कलर आया है। नीचे से भी आप देख सकते हैं ये ओवन वाली जो कुकीज़ हैं वो बहुत ही अच्छे से बेक हुई है, बहुत ही बढ़िया सी इन पे नीचे ब्राउनिंग आई है और बहुत ही बढ़िया लग रही हैं दिखने में। टेस्ट इनका बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आता है, बिल्कुल फजी टेक्सचर की बनी है हमारी कुकीज़ और आप देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया लग रही हैं दिखने में, खाने में बहुत ज़्यादा ये टेस्टी हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ जो हमने कुकीज़ को गैस पे बनाया है वो कैसी बनी है। गैस वाली कुकीज़ भी बिल्कुल अच्छे से बेक हुई है और नीचे से आप देख सकते हैं इन पे भी बढ़िया सी ब्राउनिंग आई है और इनका भी टेस्ट और टेक्सचर बिल्कुल सेम है। तो ये भी दिखने में बहुत ही बढ़िया है और साथ ही खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आपको मैं इनके अंदर का टेक्सचर दिखाती हूँ किस तरीके से बनी है, किस तरीके का इनका फजी टेक्सचर है और आप देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया से बेक हुई हैं। तो ये हमारी बिल्कुल हेल्दी ओट्स की कुकीज़ बिल्कुल तैयार हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और दूध के साथ ये कुकीज़ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं खाने में, आप ज़रूर से बनाइए और बिल्कुल आसान तरीके से आप घर पे से बना सकते हैं। जो भी मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स इस वीडियो में आपके साथ शेयर किए हैं उन सबको फॉलो कीजिए और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आप भी इस कुकीज़ को घर पे बना सकते हैं। अगर आप हमारी इन रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं तो इनकी जो फोटोज़ हैं हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर से आप इसे शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो अगर आपको आज की हमारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और हाँ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बाकी की जो बेकिंग क्लास की सारी रेसिपीज़ हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप उन्हें भी ज़रूर से चेक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।